Hitler was, this is our social science class. So for class 9, we already started our history's chapter 3, that is Nazism and the Rise of Hitler. So this is the 6th part of our chapter. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. तो हिटलर जो था वो बहुत पावरफुल स्पीकर था, यानी कि जब वो बोलता था तो लोग उसके अफेक्ट में आ जाते थे, यानी कि लोगों को उसकी बोली बात अच्छी लगती थी. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. और उसके पैशन मतलब वो इतना लोगों को पैशन शो करता था, यानी कि वो उसके बोलने से ऐसा लगता था कि जो वो करेगा वो लोगों के लिए ज़रूर करेगा. जो वो बोल रहा है मतलब वो लोगों के लिए उस काम को करेगा. तो मतलब उसके वर्ड्स में उसके पैशन दिखता था. ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, मतलब जो कंट्री है उसको पूरी यूनाइटेड करेगा और एक स्ट्रॉन्ग नेशन खड़ा करेगा. अंडू द जस्टिस ऑफ वर्सालिस ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. और जो भी जर्मनी के साथ गलत हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के अकॉर्डिंग, वो उस सब चीज़ों को ख़त्म करेगा और लोगों को उनकी डिग्निटी यानी उनकी जो इज्जत है वो वापस दिलाएगा. जो जर्मन कंट्री की डिग्निटी थी वो उसको वापस मिल जाएगी. ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर अ वर्क. और उसने कहा था कि जिनको भी वर्क करना चाहते हैं जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करेगा. एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ. और यूथ का जो फ्यूचर है उसको भी सिक्योर करेगा, यानी कि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज करेगा कि जो यूथ है उनका जॉब सिक्योर्ड होगा. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. और उसने ये भी प्रॉमिस करा कि जितनी भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेज हैं, यानी कि जो भी फॉरेन कंट्री जर्मनी के लिए जो वर्क कर रहे हैं या जो भी उसके ऊपर करना चाहते हैं, चाहे वो गलत है या सही है, वो उस पर भी कंट्रोल करेगा. हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. अब हिटलर ने पॉलिटिक्स की नया स्टाइल निकाला था बिल्कुल. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन. वो समझ गया था कि लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी और उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था. नाजीज हैड मैसिव रैलीज, इसलिए वो नाजी की बहुत बड़ी 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 रैलीज निकाला करता था. एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोक्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. तो वो समझता था, वो ये समझ गया था कि अगर किसी को भी वहाँ पे मतलब अपना रूल करना है तो उनको ज़रूरी हो है कि वो पूरी जो कंट्री है उसके जो सिटीजन्स हैं उनको यूनाइटेड एक साथ लेके चले. इसलिए वो नाजिम पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकालता था और पब्लिक मीटिंग रखता था जिसमें वो सभी को पीपल को बुलाता था, इनवाइट करता था कि जो सारे सिटीजन्स हैं वहाँ के जर्मनी के वो इनवाइटेड हैं, जिससे लोगों को यूनाइटी की फीलिंग आती थी और उन्हें लगता था कि जो उनका लीडर है वो बिल्कुल सही है. द लेड बैनर्स विद द स्वास्तिका द नाजिम सल्यूट. और उसने जो अपना बैनर बनाया था वो भी रेड कलर का स्वास्तिक बनाया था, क्योंकि वो समझता था कि जो लोगों के रिचुअल्स हैं यानी उनका जो कह सकते हैं कि रिचुअल्स हैं, रिचुअल होते हैं जो वर्क करते हैं ना धर्म के, वो कि वो बहुत ज़रूरी हैं. तो इसलिए जो उसका बैनर था वो भी स्वास्तिक था. द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल द पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टल ऑफ पावर. तो क्या कहता था कि जो उसका फ्लैग था यानी जो उसका बैनर था वो भी रेड कलर के स्वास्तिक था जिसको वो सल्यूट करता था. और कुछ भी चीज़ स्टार्ट होती थी उससे पहले वो उस पर रिचुअल्स करते थे, रिचुअल्स यानी कुछ पूजा पाठ और इस टाइप का करते थे और जिससे कि और स्पीच देता था. तो जिससे क्या होता था कि ये साबित होता था कि वो जो भी करेगा सिर्फ और सिर्फ जर्मन के लोगों के लिए ही करेगा. नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर्स एज अ मसी मसीहा, जैसे मसीहा बोलते हैं ना, एज अ मसी एंड अ सेवियर एज अ समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस. सो नाजी के जो हिटलर था उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ को देख के जर्मन पीपल को बिलीव होने लगा था कि जो नाजी पार्टी है और जो हिटलर है वो उनके उनका सेवियर है, उनका मसीहा, यानी इन सब प्रॉब्लम्स से वही एक है जो उनको बचा सकता है. इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड
हैड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ अक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और अब ये सब कुछ देख के उन्हें लगने लगा था कि जो जर्मनी की डिग्निटी है वो वापस बनेगी, उनका प्राइड जो उनकी मतलब एक गौरव था वो मेंटेन रहेगा, और ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से हिटलर और नाजी पार्टी ही थी जो उन्हें बाहर ला सकती थी, उन्हें ये फील होने लगा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हुई थी। ऑन 13 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाइएस्ट पोजिशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। तो 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को जो सबसे बड़ी पोजिशन होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, चांसलरशिप, वो ऑफर किया था। By the now, Nazi had managed to rally the conservation to their cause. और फिर वहाँ पे एक स्पीच है जो नाजी पार्टी का सबके साथ क्या हुआ था कि एक कह सकते हैं कॉन्वर्जेशन हुआ था। Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. और जैसे जैसे हिटलर को पावर होने लगी थी, मिलने लगी थी, तो वो डेमोक्रेटिक रूल के उसमें मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल वो ज़्यादा नहीं चाहता था, तो वो उसके अगेंस्ट जाने लगा था। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। द फायर डिक्रीज ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by Weimar Constitution. So अब क्या हुआ था कि एक असेंबली हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड करा गया था कि 28 February 1933 में जितने भी राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बोलने की जो आज़ादी थी, ना वो अब आज़ादी से बोल सकते थे, ना कुछ प्रेस यानी जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उनमें कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छप सकता था। एंड असेंबली मतलब वैमनर कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को जो आज़ादी थी, अब वो उनकी आज़ादी ख़त्म होती जा रही थी, जैसा कि जो फ्रीडम ऑफ जैसे कि उनके राइट्स थे लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, कि वो असेंबली में, मीटिंग में, प्रेस में या इस कहीं भी खुलकर बोल सकते थे, अब वो ख़त्म कर दिया गया था। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्च एनिमीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ होम वर हर्डली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। सो क्या हुए गए थे अब कैंप्स, यानी ग्रुप ऑफ पीपल बना था वापस से, किस लिए कि देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्चमिनीज द कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ द होम वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप, बनाए थे जो इस रूल के अगेंस्ट थे उन लोगों ने। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सेवियर, अब उनको जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सीवियर की तरह लग रही थी, क्यों, क्योंकि हिटलर ने हर चीज़ पर बैन लगा दिया था, उनका जो फ्रीडम था उसको भी ख़त्म कर दिया था। आउट ऑफ सर्विंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स, द ड्यूसेलडॉर्फ अ स्मॉल सिटी ऑफ अ हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन, 1,440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन। तो जो भी अब ऐसे खुले में बोलता था, मतलब ओपनली अपने थॉट्स को रखता था, बोलता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जैसा कि 6,800 फाइल्स थी अरेस्ट की, और उसमें से अ स्मॉल सिटी अ हाफ ऑफ मिलियन पॉपुलेशन, एक सिटी में से कम उसकी आधी पॉपुलेशन को अरेस्ट कर लिया था, जिसमें से 1,440 कम्युनिस्ट पीपल थे। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम परसुएटेड बाय द नाज़िम। और मतलब जो पूरा कंट्री था उसको नाज़िम में 52 टाइप्स के विक्टिम यानी कि प्रॉब्लम्स में बांटा था, और 1,440 तो सिर्फ एक टाइप के लोग थे जो अरेस्ट करे थे, और उसने जो पूरे कंट्री को था, विक्टिम यानी होते हैं जो क्राइम करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का शिकार होना, तो 52 टाइप्स में बांटा था, कि मतलब 52 टाइप्स के क्राइम्स में, कि ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है और ये भी क्राइम है। तो 1,440 तो सिर्फ एक क्राइम के लोग थे, मतलब अभी 51 के और थे, तो इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।
ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस अनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड और 3 मार्च 1993 में एक एक्ट पास हुआ था. दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. और अब क्योंकि जो हिटलर था उसको डेमोक्रेसी के वो अगेंस्ट था, वो डेमोक्रेसी को नहीं सपोर्ट करता था, पर उसको गवर्नमेंट में आना था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया. और इस वजह से क्या हुआ था कि अब जब उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, सारी फ्रीडम ख़त्म कर दी थी, तो अब उसने क्या करा, जर्मनी में डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश कर दिया था. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू सेडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिस्पिन. और इसलिए जो पार्लियामेंट थी उसकी सारी पावर ख़त्म करके सारी पावर हिटलर ने ले ली थी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएशंस. तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियंस थे सबको बैन कर दिया था. सिर्फ एक पार्टी थी पूरे जर्मनी में और वो क्या थी, नाजी पार्टी. द स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी. और हर चीज़ पे, पूरी कंट्री के हर चीज़ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल नाजी पार्टी का था, चाहे वो इकनॉमी हो, वहाँ की मीडिया हो, आर्मी हो या जुडिशरी हो. स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वेज दैट नाजीज वॉन्टेड. और इसलिए स्पेशल सुपरविलियंस एंड सिक्योरिटी, मतलब सुपरवाइजर प्रोवाइड करे गए थे और सिक्योरिटी ये कंट्रोल करने के लिए कि हर चीज़ किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, सिर्फ नाजी पार्टी के कंट्रोल में, इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पॉलिसी इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड SA और द स्ट्रॉम ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पॉलिसी, द SS, द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस ST. तो इसमें क्या बोला गया है हम ढंग से देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जो एक वहाँ की पुलिस होती थी ना ग्रीन यूनिफॉर्म में, उसको छोड़ के बहुत सारे नए, मतलब सोल्जर्स और पुलिस टाइप ग्रुप लोगों के बनाए गए थे. जैसे एक तो था SA और द स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स, नेक्स्ट था गेस्टो सीक्रेट स्टेट पुलिस, थर्ड था SS द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, और लास्ट था क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस दैट इज़ SD. तो मतलब पुलिस ही काफ़ी नहीं थी उस नाजी पार्टी को, स्पेशली हिटलर को इतना ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो कंट्रोल में लेना चाहते थे पूरे स्टेट को, कि उन लोगों ने इतनी सारी पार्टीज़ और फॉर्म कर दी लाइक पुलिस के जैसे. ठीक है, इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्स दैट गेव द नाजी स्टेट्स इट्स रेप्यूटेशन एज द मोस्ट डिग्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. इसलिए ये जो पावर थी, इस पावर की वजह से क्या हुआ कि फोर्सेस को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई कि जो वहाँ की फोर्सेस होती थी लाइक पुलिस वगैरह, इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. मतलब इस जो ये पार्टी थी इसके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग, एंड न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेस दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेप्यूटेशन एज द मोस्ट डिग्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. और इसलिए इस स्टेट को एज अ क्या नाम दिया गया, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स का स्टेट है या सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ आते थे. क्यों? क्योंकि वो हर किसी छोटी छोटी बात पर लोगों को अरेस्ट करवा लेता था नाजी. People could now he detained in Gestapo torture chamber. और एक ग्रुप तो ऐसे ही बन गया था जिसको क्या नाम मिला था, Gestapo torture chamber के नाम से जाना जाता था. Rounded up and sent to concentration camp. मतलब वो पूरे राउंड पे पूरे कंट्री में जो उनका एरिया था वहाँ घूमते थे और फिर उनको कैंप्स में भेज देते थे. डिस्पोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, और बिना किसी लीगल प्रोसीजर के फिर उनको अरेस्ट कर लेते थे. द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी. और इसी वजह से जो पुलिस की पावर्स थी वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दी गई थी. रिकंस्ट्रक्शन. थैंक यू. आप जब तक यहाँ तक पढ़ेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे.